वाराणसी को प्रधानमंत्री योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस को मिला टिकट। नमस्कार, मैं हूं शैली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 99 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर साउथ वेस्ट से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से टिकट दिया है। वहीं कड़क कवली सीट से नीतीश नारायण राणे को और घाटकोपर वेस्ट से राम कदम को कैंडिडेट बनाया है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक फेज यानी 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। इसमें बीजेपी, शिवसेना, सिंधे गुट और एनसीपी अजीत गुट शामिल है। सीट शेयरिंग को लेकर पिछले दिनों हुई लंबी बैठकों के बाद आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवम पांडे। शिवम, महाराष्ट्र बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है पूरी खबर को लेकर, किस किस का नाम शामिल हुआ है इस लिस्ट में? बिल्कुल सामने जी, आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र बीजेपी विधानसभा की पहली लिस्ट जारी हो गई, जिसमें 99 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें 13 महिलाएं के साथ साथ कई ऐसे देवेंद्र फडणवीस का भी नाम शामिल है। क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर वेस्ट से इस बार चुनावी मैदान में उतारे गए थे। यानी देखा जाए तो बीजेपी अपना जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला उसको लेकर पूरी तरीके से कमर कस ली है, पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। लगभग 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई और साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो 13 महिला उम्मीदवार हैं। जी, ऐसी इस लिस्ट में कैसी क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की? अगर बीजेपी की रणनीति की बात किया जाए तो बीजेपी आने वाले चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं पूरी तैयारी शुरू कर देती है। अगर इससे पहले बात किया जाए विधानसभा चुनाव को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने कई ऐसे चीजों का लोकार्पण महाराष्ट्र के अंदर किया था, और साथ ही साथ देखा जाए तो इस बार जो गठबंधन में वहां पे चुनाव लड़ा जाएगा उसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से देखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद यानी 99 प्रत्याशियों के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिसमें से खासतौर से देखा जाए तो 13 महिलाओं का नाम इस सूची में शामिल है। वहीं बीजेपी की बात किया जाए तो लगभग 13 महिलाओं के साथ साथ इस बार जो टक्कर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए शिवम। बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम के तत्वाधान में दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेएमएफकॉन 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने स्वास्थ्य को एक दायरे से बाहर निकालकर एक साथ देखने का प्रयास किया, इसलिए 2017 में बनी नई स्वास्थ्य नीति के तहत हमने इसे समग्र स्वास्थ्य नीति के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पहले केवल उपचारात्मक पर जोर दिया जाता था, अब यह निवारक पर है, इसे समग्र रूप से देखने का प्रयास है। इस तरीके से हम बढ़े और इसलिए आपको सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में पॉलिसी इंटरवेंशन क्या क्या हुए, जिसके कारण आज मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशन किस तरीके से हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो हमको ध्यान में रहे कि अंडर द डायनेमिक लीडरशिप एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों ने प्रयास किया है कि स्वास्थ्य को साइलोस से निकालकर एक
कोहिजन के साथ इसको देखने का प्रयास किया, और इसलिए अब जो हमारी नई स्वास्थ्य नीति बनी 2017 में, और ये 98 के बाद 1997-98 के बाद ये जो 2017 में स्वास्थ्य नीति आई, इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी के रूप में बनाने का प्रयास किया, एक होलिस्टिक रूप में। पहले जोर सिर्फ क्यूरेटिव पर था, अब जोर प्रिवेंटिव पर है। प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, एक होलिस्टिक अप्रोच में देखने का प्रयास हुआ। वाराणसी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर पीएम मोदी ने आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में उदयपुर वन परिक्षेत्र में परसाकोल ब्लॉक के 140 हेक्टेयर में प्रशासन ने 6000 से अधिक पेड़ों की कटाई करवाई है। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों ने खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए तो वहीं दूसरी तरफ एक दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो गए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में हस्तदेव बचाओ और आदिवासियों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ पूर्व मंत्री सहित आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक ने घायल ग्रामीणों से मुलाकात की और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आवंटन को लेकर जिस तरह से दो दिन पहले यहाँ पे लाठीचार्ज हुई, उस घटना को लेकर हमारे प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलएस, वर्तमान एमएलएस के साथ, वर्तमान विधायकों के साथ हम लोग आए हैं ग्रामीण आदिवासियों के साथ चर्चा करने, और चर्चा किए। चर्चा करने के बाद बहुत ही गंभीर और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। ग्रामीण लगातार इतने वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, और उनका आंदोलन शांतिपूर्वक रहा है। सिर्फ अपनी एक मांग को लेकर कि ग्राम सभा फर्जी हुई है, उस ग्राम सभा की जांच कराओ। नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले शातिर अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शातिर अपराधी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल अवस्था में शातिर आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अपराधी से अवैध तमंचा व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। बता दें, जलालपुर गाँव के पास स्कूल जा रही मासूम छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने से बाइक पर बैठाया था, जहाँ नाबालिग छात्रा ने कूद कर अपनी जान बचाई थी। जब थाना बिसक पुलिस टीम द्वारा रोजा जलालपुर क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी, तो उनको सूचना मिली कि एक अभियुक्त, जो कि कल एक मुकदमा लिखा गया था उसमें वांछित चल रहा है, वह एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में छुपा हुआ है। कल घटना को जिस प्रकार हुई थी कि एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार था, उसने एक 12 साल की बच्ची को लिफ्ट दी और लिफ्ट स्कूल छोड़ने के बहाने से दी गई थी, परंतु वह स्कूल पर रुका नहीं, इसलिए बच्ची अपने आप ही मोटरसाइकिल से कूद गई, जिसमें बच्ची को मामूली चोटें आईं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि यह अभियुक्त एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में छिपा हुआ है, पुलिस घेराबंदी करके तलाश करने लगी और पुलिस को इस अभियुक्त की, जो कि घटना में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, वो मोटरसाइकिल भी दिखी। अभियुक्त ने बचने के लिए पुलिस की तरफ जान से मारने के नियत से फायर किया, जिसमें पुलिस वाले बाल बाल बचे। जवाबी फायर में पुलिस की द्वारा फायरिंग की गई और अभियुक्त के पैर में गोली लगी और उसको पास वाले अस्पताल में तुरंत ही उपचार के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में घर में रखे सिलेंडर में भीषण आग लग गई, जहां परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर आग पर काबू पाया है। नोएडा पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी राह चलते लोगों से मोबाइल लूटकर सस्ते दाम पर बेचते हैं और अवैध कमाई करते हैं। वहीं आरोपी एनसीआर क्षेत्र में दर्जनों मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये क्या है प्रॉब्लम? देखिए, ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, इसमें से दो स्नेचर हैं, पवन और कमरुद्दीन, और जो राहुल और साहिल है, ये इनको खरीदने वाला है। ये दो लोग जो ऊपर पवन और कमरुद्दीन हैं, ये लोगों से मोबाइल छीनते हैं और फिर इसको साहिल।
शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए आबकारी विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में दीपावली के मौके पर अवैध शराब के परिवहन को रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जिले में आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों की गहनता से तलाशी ली है। बता दें कि आबकारी विभाग की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। खबर मेरठ से है, जहां शराब के ठेके के कलेक्शन एजेंट से लगभग 3 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं आरोपी सौरभ पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है, साथ ही आरोपी के 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, थाना कंकरभेड़ा क्षेत्र में 16 अक्टूबर को एक लूट की घटना कार्य की गई, जिसके अनावरण के लिए इसमें थाना कंकरभेड़ा पुलिस सर्विलांस एवं एसओजी की टीम लगाई गई थी। इसमें सर्विलांस जो इलेक्ट्रॉनिक और हमारा मैनुअल सर्विलांस है, और जो थाना जो मुखबिर खास की सूचना के आधार पर कल देर रात हमें सूचना मिली कि इसमें से एक अपराधी से कंकरभेड़ा की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी। और जब ये व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस ने इसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ महिला थाने पहुंची है। बता दें, महिला ने डॉक्टर पर महंगी और खराब दवाई देने का आरोप लगाया है, जहां महिला बुखार से पीड़ित अपने पति को क्लिनिक लेकर पहुंची थी। वहीं डॉक्टर की शिकायत होने पर डॉक्टर क्लिनिक बंद करके फरार हो गया। बता दें, खराब दवाई देने की वजह से पति की हालत खराब हो गई थी। हमारे ना हल्का सा बुखार हुआ था, तो हम डॉक्टर के गए थे, डॉक्टर रिहान के यहाँ पे, तो उसने हमसे नहीं वो परेशानी है, क्या हमारे इनके गलत से इंजेक्शन लगा दिए, और इंजेक्शन लगा के इतना बीमार कर दिया ना हॉस्पिटल तक को। जो 100 रुपये वाला इंजेक्शन है वो दे रहा हमें 900 रुपये में, जो 250 रुपये का दे रहा वो दे रहा 1400 रुपये में। हमारे इतना बिल बिठा रहा बार बार की। अब हमें जब हम इसके पास गए कंप्लेन करने, उन्होंने कहा भैया तुमने ऐसा क्यों करा, तो हमारे इनसे नो कह रहा क्या कहना, जो तुमसे होता हो वो कर लो, चौक के चले जाओ, थाने चले जाओ। मेरठ में छात्रों के 2 गुट के बीच सड़क पर मारपीट कर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 छात्रों को गोली लग गई है। दोनों घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग के बाद बाकी छात्र मौके से फरार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक छात्र फैजान इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं, जिनके बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। बता दें कि 3 दिन पहले भी दोनों गुट आपस में भिड़े थे। यह मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के मेट्रो प्लाजा के सामने का बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। जो हमारे साथ का शादाब है, हम स्कूल में से पेपर देकर आ रहे थे, उसकी लड़ाई हुई थी 7-8 दिन पहले। वैसी लड़ाई नहीं हुई थी, बस वैसी मजोरी हुई थी, तो उन्होंने जुमरात के दिन घेर लिए थे सबको। तो हमें प्रिंसिपल से भी कही, हमने पुलिस वालों से भी कही, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई ना करी, क्या लगे हम खुद देख लेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। बोलेरो में सवार महिलाओं समेत 8 श्रद्धालु घायल हुए हैं। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, श्रद्धालु बागेश्वर धाम से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। बहराइच जिले के ककरहा रेंज के कोकुलपुर बीट के पकड़िया गांव में तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ को पिंजरे में कैद कर लिया है। उसके बाद तेंदुए को रेंज कार्यालय स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया, और स्वास्थ्य जांच करने के बाद उसे जंगल में छोड़ा गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में गोकुलपुर इलाके में तेंदुए का आतंक फैला था। धर्मपुर बेजा गांव के एक किसान को तेंदुए ने 2 सप्ताह पहले ही मार डाला था, जिसके बाद से इलाके में दहशत बरकरार थी। फरुखाबाद में ट्रैक्टर विवाद में दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। तीनों महिलाओं को सीएससी में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला की गांव में परचूनी की दुकान है, और दबंग महिला का रिश्ते में मामा लगता है। वहीं महिला ने दबंगों पर दुकान में घुसकर मारपीट करने और 4 लाख का सामान लूटने का आरोप लगाया है। साथ ही एजेंसी पर ट्रैक्टर ले जाकर बेचने का भी आरोप लगाया है। मतलब करीब 2.5-3 लाख रुपया, और सब जेवर जितना मैंने अपने घर से दिया, बिटिया का, हुआ ससुरे का, सब लूट लिया। जो कुछ अच्छी बुरी सामान थी राखी, उन्होंने कुछ नहीं। दुकान में क्या क्या लूटा है? दुकान में तो बताए रहे पैसा ले गए, माल ले गए, और उन्होंने फिर मारा बेतादाद, और जो सामान अपने भरपाई
पापे कोई भरे ले जा रहा, कोई कुछ भरे ले जा रहा, जे पाँच छह उन्हें अपना अपने हक से राखा गुजरा। जब हमने बीच बिजाव करा तो मेरी झंपल की तो बेहाल करे और हमें फिर बेतहदा थमो को मार। साहू समाज के प्रदेश महामंत्री पार्वती साहू की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक पार्वती साहू को चक्कर आने के कारण देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इलाज अभी भी जारी है। बता दें कि पार्वती साहू लोहारी डीही हत्याकांड मामले को लेकर पिछले 6 दिनों से अनशन पर बैठी थी, जिसके तहत 1-1 करोड़ आर्थिक सहयोग, सरकारी नौकरी और निदेशकों के रिहाई की मांग कर रही थी। छत्तीसगढ़ के मरवाही के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र बंधौरी में दोनों आंख से दिव्यांग धर्मेंद्र सिंह आज भी सरकार के सभी योजनाओं से कोसों दूर हैं। दिव्यांग आदिवासी धर्मेंद्र सिंह को आज तक ना कोई राशन कार्ड, ना पेंशन, ना शौचालय और ना ही आवास मिला है। दिव्यांग धर्मेंद्र का परिवार के गरीबी और बदहाली का आलम यह है कि 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। परिजन दिव्यांग बेटे को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, पर उन्हें हताशा और निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। दोनों आँखी से अंधरा है। हाँ। अब न तो एखार दे पेंशन मिला थे। हाँ। अब न एखार राशन कार्ड भी दे बने है। हाँ। अब न एखार दे आवास। हाँ। है ना, सरकार से बेसिक तो लाभ बहुत मिला थे। हाँ। लेकिन ये कोई लाभ नहीं मिले। शौचालय बना है इसका? अरे कुछ नहीं साहब, कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं? अरे यहाँ कोनो रखैया ना देखैया साहब, गरीब आदमी वैसे अब कहना करबे, माटी कुधरे दे फेंक के तो जियत खात हम। धर्मेंद्र के बारे में आपने बताया है तो आपके बताने से मेरे संज्ञान में आया है। मैं अपने कर्मचारी को भेज के शासन की योजना जो उसे लाभ मिल सकता है वो। आज सौभाग्य का महापर्व करवा चौथ है, जिसको लेकर देश भर में धूम मची है। इसी कड़ी में बहराइच में बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज़। नमस्कार।